नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज पीआर और मैं हूं आपके साथ ज्योति सिन्हा। देखिए, शिक्षा विभाग की कमान जब से के पाठक के हाथों में गई है, तब से के पाठक एक पर एक निर्देश जो है वो जारी कर रहे हैं और शिक्षा विभाग को दुरुस्त करने में लगे हैं। ये भी कह सकते हैं कि अब शिक्षा विभाग जो है वो पटरी पर आने लगा है। लेकिन ऐसे में कई ऐसे डिसीजन जो लिए गए पर बवाल भी हुआ है। लेकिन अब एक और जो आदेश है वो जारी कर दिया गया है, लेकिन इस बार जो आदेश है वो बच्चों से जुड़ा है, क्योंकि अब बच्चों की उपस्थिति भी जरूरी हो चुकी है। अगर बच्चे 15 दिन से कम बैच, अगर बच्चे 15 दिन तक कंटिन्यू अनुपस्थित रहते हैं तो फिर उन बच्चों का नामांकन रद्द कर दिया जाएगा। अगर बच्चे अब स्कूल में नहीं पहुंचेंगे तो उनकी भी परेशानी बढ़ेगी। बिहार के शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव के पाठक ने सभी जिलाधिकारियों को पत्र भेजकर एक और आदेश दे दिया है। बता दें कि सभी क्षेत्रीय शिक्षा उपनिदेशकों RDD के अलावा सभी जिलों के जिला शिक्षा पदाधिकारी DEO और जिला कार्यक्रम पदाधिकारी DPO 5-5 विद्यालयों को गोद लेंगे। गोद लिए गए स्कूलों में 50% से अधिक उपस्थिति हर हाल में सुनिश्चित भी करेंगे। इतना ही नहीं, आपको बता दें कि उन्हें विद्यालयों का नियमित निरीक्षण भी करना होगा और साथ ही छात्रों के अभिभावकों से भी मिलना होगा, उनसे इस समस्या पर बात भी करना होगा। बता दें कि 3 दिनों तक अनुपस्थित रहने पर नोटिस दे दिया जाएगा और अगर बच्चे 15 दिनों तक लगातार गायब रहते हैं तो फिर उनका नामांकन रद्द कर दिया जाएगा। तो अब ऐसे में शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव ने टीचर्स के साथ साथ बच्चों के लिए भी एक बड़ा आदेश जारी कर दिया है। पत्र में उन्होंने साफ कहा है कि 1 जुलाई से मॉनिटरिंग की व्यवस्था करने के बाद 50% से कम उपस्थित वाले विद्यालयों की संख्या लगातार कम हुई है। इसे देखते हुए लगभग 10% विद्यालय ऐसे हैं जहां छात्रों की उपस्थिति 50% से कम है। ऐसे में RDD, DEO और GPO का हस्तक्षेप करना ज़रूरी है। देखा जाएगा कि एक ही विद्यार्थी कहीं 2 या 2 से अधिक स्कूलों में नामांकित तो नहीं। पाठक ने ये भी कह दिया है कि कार्य योजना किस तरीके से करनी है। बता दें कि 5 स्कूलों को गोद लेने को भी कहा गया है ताकि वहां पर हर चीज़ सुनिश्चित की जा सके और छात्रों की उपस्थिति खासकर देखी जा सके। और ऐसे में छात्र नाम ना कटवाएं, इसके लिए भी ध्यान दिया जाए। एक और जहां शिक्षकों पर खासकर ध्यान दिया जा रहा है तो वहीं दूसरी ओर बच्चों को स्कूल आने पर भी पूरा ध्यान देने की ज़रूरत है। बता दें कि सिर्फ DBT के माध्यम से सरकारी योजनाओं का लाभ लेने के लिए किया जा रहा है। अपर मुख्य सचिव ने कहा कि सरकार हर साल 3,000 करोड़ की राशि DBT के माध्यम से देती है। यदि 10% बच्चों का भी नामांकन रद्द होता है तो राज्य को लगभग 300 करोड़ की बचत होगी। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ PR लाइव, पटना।